कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक डॉक्टर मौमिता देवनाथ के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी नृशंस हत्या के बाद पूरे भारतवर्ष में चिकित्सकों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में आज आईएमए के बैनर तले छपरा सदर अस्पताल से चिकित्सकों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। आइए बात करते हैं डॉक्टरों से, उनकी क्या मांग है। सर, एक कैंडल मार्च निकाला गया है, इसके संबंध में संबंध में ये तो अभी हाल में कलकत्ता में आरती मेडिकल कॉलेज में एक ऑन ड्यूटी वो ग्रेजुएट ट्रेनिंग स्टूडेंट के मर्डर ट्वेल्थ उसके बाद मर्डर हुआ, उसका रेप हुआ, उसके बाद मर्डर हुआ। हम लोग उसी के विरोध में ये कर रहे हैं। हम लोगों का डिमांड है कि जो भी कल्पित है उनको जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए और जो जब से ज़्यादा कड़ा ये उनको ये दिया जाए, सजा दिया जाए। और दूसरा है कि डॉक्टर को जो है वर्किंग प्लेस में उनको सिक्योरिटी मिलना चाहिए और उसके परिवार को, जो डॉक्टर का डेथ हुआ है उसके परिवार को कुछ अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए। वो तो होनहार लड़की थी, बहुत ये थी और वहाँ बंगाल की जो है ये स्थिति बहुत ख़राब है। इसलिए हम लोग यही मांग करते हैं कि जो कल्पित है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उसको जो भी सजा हो, अगर संभव हो तो फांसी की सजा उसको दी जाए, इससे कि दूसरे को ये उदाहरण हो, कोई ऐसा ये नहीं करे। और ऑन ड्यूटी वो हॉस्पिटल में है, ऑन ड्यूटी हो गया, ये तो आश्चर्य की बात है, कैसे हो गया। तो वर्किंग यही चीज़ से पता चलता है कि हम लोग किस स्थिति में हम लोग काम करते हैं। हॉस्पिटल में ही उसके साथ ये घटना हो गई, यही हम लोग का डिमांड है। परिचय भी दे देंगे सर। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, फुल अध्यक्ष आईएमए। देखिए, वर्किंग प्लेस में सबसे पहले तो एक एज ए फीमेल डॉक्टर हम लोग का रिक्वायरमेंट है कि एक ड्यूटी रूम अलग से होना चाहिए एक फीमेल डॉक्टर के लिए, ठीक है ना। अलग से ड्यूटी रूम विथ अटैच बाथरूम, ठीक है ना, विथ लॉक, मतलब अच्छे से उसका सिक्योरिटी हो, जिसमें कोई भी लॉक लगा सके, नंबर लॉक हो तो और अच्छा है, ठीक है ना, कोई भी किसी भी टाइम नहीं आ जाए, ठीक है वो। और हमारा भी पीजी डेज में ऐसा ही रहा है कि जब भी ड्यूटी हो तो फिर पर्सनल ड्यूटी रूम फीमेल को मिलना बहुत मुश्किल होता है। मतलब आपके कहने का मतलब कि अत्याधुनिक मानकों के साथ आपको, सुरक्षा के मानकों के साथ आपको वो सारी व्यवस्थाएं मिलेगी, वो जब तक नहीं होगा ऐसा क्राइम होता ही रहेगा, हमेशा होता है, ठीक है। तो वो तो हॉस्पिटल का एचओडी का डीन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पूरा किया जाए। उस घटना पे अपना डॉक्टर राकेश सिंह, उस घटना पे आप क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्या मांग करेंगे? जो भी कल्प्रिट है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आइए, मैं छपरा और सारण की तरफ से हम लोगों ने रैली निकाला है, ये हम अपनी जो है सपोर्ट और सॉलिडारिटी शो कर रहे हैं टुवर्ड्स द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, जो कि एक गायनी पीजी की छात्रा थी, उसका इतना फ्यूचर ब्राइट था, शी वॉज क्वाइट ए डायनेमिक एंड एक्टिव स्टूडेंट, पर अनफॉर्चुनेटली उस रात को जो हुआ उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता और हम ये सोच भी नहीं सकते कि किस स्थिति से या किस कंडीशन से वो लड़की गुजरी होगी। तो उसके परिवार के लिए और उसके लिए हम लोग बस सपोर्ट शो कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी कल्प्रिट है जैसा सर ने बताया उसको सजा कड़ी से कड़ी मिले और जितनी जल्दी हो पकड़ा जा सके। और डॉक्टरों के खिलाफ ये जो भी दुराचार और अन्याय और ये वायलेंस हो रहा है इसके ऊपर पूर्ण विराम लगना चाहिए। आईएमए इसकी मांग भी करता है, हर एक शहर में और हर एक जहाँ भी जितने भी आईएमए हैं सब एक साथ इस अन्याय का विरोध करते हैं। आईएमए में क्या पद है सर आपका? मैं आईएमए सेक्रेटरी डॉक्टर आर के साथ।